Class 7, Geography, name is Data Handling. We are going to start exercise 3.2. I am reading question first. The scores is mathematics test out of 25 of 15 student is as follows. Means mathematics में स्कोर आए 15 स्टूडेंट के, ठीक है, जो भी ये डाटा गिवन है, ठीक है, यही इनका स्कोर है. फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, मीन्स ये जो डाटा गिवन है इसका क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है एंड मीडियन फाइंड करना है. फिर ये देखना है कि जो भी दोनों के आंसर आए हैं क्या वे सेम है, मीन्स इसका मॉड और मीडियन सेम है, ठीक है. इस एक्सरसाइज पे तीन चीजें ही है जो अपन को फाइंड करना है, मॉड, मीडियन एंड मीन, ठीक है. मॉड क्या होता है, मॉड मीन्स होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मीन्स जो भी डिजिट बार बार मीन्स रिपीट हो रही है वही मॉड होगा, ठीक है. मीन्स मॉड का मीन्स यही है कि जो भी डिजिट बार बार गिवन हो, बार बार आ रही है, ठीक है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स जो भी डिजिट बार बार आ रही है वही उसका क्या होगा, मॉड होगा. और मीडियन क्या होता है, मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी डाटा गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना पड़ेगा. जो भी मिड पॉइंट आएगा, मीन्स मिड में जो भी डिजिट आएगी वही मीडियन होगा. लेकिन मिडिल, मीडियन मीन्स मिडिल, ओके, मीन्स मिडिल फ्रिक्वेंसी, बीच में, ठीक है, उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना पड़ेगा, तब उसकी अपन मिडिल वैल्यू उसकी देखेंगे तो वही मीडियन होगा, ठीक है. और मीडियन मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स सारी जो जो भी डाटा गिवन है सबका प्लस एंड अपॉन में उनका काउंट करके मीन्स टोटल डिजिट कितनी है, ये मीन होगा, ओके. अपन सोल्व करते हैं फर्स्ट. तो अभी देखिए ये जो डाटा गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में डाटा गिवन है, मीन्स ये स्क्वायर है मैथमेटिक्स का, तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर पर राइट कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, स्मॉल टू बिग. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, मीन्स स्मॉल से, स्मॉल डिजिट से बिग डिजिट की ओर जाना है. तो इसमें से अपन क्या राइट कर लेंगे, स्मॉल डिजिट 5 है, ओके, फिर 9, फिर उससे बिग 10, इस तरीके से ये अपने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया. और इसमें मॉड और मीडियन फाइंड करना है. मॉड मीन्स मैंने बता दिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मीन्स जो भी डिजिट बार बार आ रही है. अब इसमें देखिए बार बार कौन कौन से आ रहे हैं, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स सबसे ज्यादा टाइम 20 है, तो इसलिए मॉड क्या हो जाएगा 20, ओके. अब मीडियन क्या होता है, मीडियन मिड, मिडिल पॉइंट मीन्स मिडिल फ्रीक्वेंसी. इसमें नहीं देखेंगे जो डाटा के बारे में जो भी अपन असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे ना उसमें से देखना है. तो अभी ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है. अपन पहले यहां से देखते हैं 8 हो गए और 8 यहां से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है. और एक यहां पे आ रहा है. अगर आप लोगों को इस तरीके समझ नहीं आता, मैं एक और तरीके बता दूं, पहले तो टोटल डिजिट काउंट कर लीजिए कि कितनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अब टोटल डिजिट 15 है, तो मींस क्या है कि 7 डिजिट आपको स्टार्टिंग से लीव करना है और 7 डिजिट लास्ट से लीव करना है. जो भी बिटवीन बचेगी वही आपका मीडियन होगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है. यहां से 7 इतना लीव कर दिया, अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां से इतना लीव कर दिया. तो जो भी मिड पॉइंट कौन सी है, मीन्स मिडिल वैल्यू 20 है, तो आपका मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, मीन्स मिडिल मीन्स बीच वाली डिजिट, क्या हो गया ये मीडियन होगा 20, ठीक है. अब ये देखिए मॉड भी 20 आ रहा है, मीडियन भी 20 आ रहा है. अब ये पूछा था कि ये सेम है, यस मॉड एंड मीडियन आर सेम, दिस इज आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द रन स्कोर इन द क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स. प्लेयर है 11, ठीक है, उसके स्क्वायर रन्स ये जो डाटा गिवन है यही है. फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड, ये तीनों फाइंड करना, फिर बताने के दोनों सेम है, ठीक है. मैंने इन तीनों का मीन्स बता दी कि किस तरीके से फाइंड करना है, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे जो भी ये डाटा गिवन है, ओके. तो अभी देखिए अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. जो भी डाटा गिवन है क्वेश्चन में, तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया, मीन्स स्मॉल टू बिग. 6, 8, 10, 10, 15, 15, 50, 80, 100, 120. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन फाइंड करते हैं, ठीक है. आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं तीनों में से, मीन, मीडियन और मॉड. मीन, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मीन्स जो भी डाटा गिवन है, ओके, अपॉन में
होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन का फॉर्मूला है. गुड. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स सबका प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स इनको काउंट करेंगे टोटल डिजिट कितनी आ रही वो नंबर. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है सबका प्लस कर दिए. जो भी डाटा गिवन है प्लस करने पर आएगा 429 अपॉन में 11. ठीक है, 11 से कट कर दें कितना जाएगा 39. ओके, आप डिवाइड करके देख सकते हैं. ठीक है, 11 3 11 1 11 11 3 39 9 बचेंगे तो 11 9 99. ओके, कितना आ गया 39. तो मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन 50. तो ये तो अपना क्या है, मीडियन 39 आ गया. क्या आया है, ये मीन आया है अपना. ठीक है, और मीडियन डिफाइन करना है. मीडियन मीन्स जो भी बिटवीन में जो भी डिजिट होगी तो वही क्या होगा, मीडियन होगा. तो मीन्स टोटल डिजिट है अपने पास 11. अभी काउंट की 11 है तो मीन्स 5 इस साइड से लीव करना है, 5 इस साइड से लीव करना है. जो भी बिटवीन होगी वही क्या होगी, मीडियन होगी. क्योंकि 11 है, 5 5 10 और 1 11, तो 5 5 लीव करना पड़ेगी. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मीन्स यहाँ से तो अपने पास मिडिल क्या बच रही है, 15. तो ये अपनी क्या हो गई, मीडियन इज अ मिडिल ऑब्जर्वेशन 15. अब मॉड, मॉड मीन्स देखिए, मॉड रिपीट बार बार कौन सी हो रही है, 10 2 टाइम, 15 3 टाइम है. मीन्स 3 टाइम ये ज्यादा बार आए तो यही अपना मॉड होगा. 15 अपने पास क्या होगा, मॉड. ओके, मॉड आर मीडियन सेम, मीन्स मॉड भी 15 आ रहा है और मीडियन भी 15 है. तो मॉड और मीडियन सेम है, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि तीनों सेम है, मीन्स तीनों मीन मीडियन मॉड तीनों सेम होंगे तभी अपन इसका आंसर राइट करेंगे. यस, लेकिन ये तीनों सेम नहीं है. मॉड और मीडियन 15 है लेकिन मीन तो 39 आ रहा है ना, डिफरेंट है. तो आंसर क्या हो जाएगा, नो द मीन मीडियन आर मॉड आर नॉट सेम. ओके, मीन सेम नहीं है तीनों. व्हाट इट, दिस इज आंसर. क्वेश्चन टू कंप्लीटेड. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द वेट इन किलोग्राम. ठीक है, मीन्स वेट जो किलोग्राम में है और 15 स्टूडेंट का वेट गिवन है. ठीक है, जो क्लास के स्टूडेंट है. ठीक है, ये जो ये ही डाटा है. फाइंड फर्स्ट पॉइंट में क्या है, फाइंड द मॉड एंड मीडियन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, मॉड एंड मीडियन. फर्स्ट पॉइंट में ये जो डाटा गिवन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे, स्मॉल टू बिग. लुक दिस, सॉल्व थर्ड असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, जो भी डाटा गिवन है स्मॉल टू बिग है अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया. स्मॉल 32 है इस तरीके से, स्मॉल टू बिग सबसे बिग 50 है इस तरीके से अपन राइट कर देंगे. फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना था मॉड, मॉड जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. अभी देखिए इन सब में 30 3 टाइम आ रहे हैं और 43 भी 3 टाइम आ रहा है. ठीक है, मॉड भी मींस अगर सेम हो तो दोनों मॉड होंगे, क्योंकि 38 भी 3 टाइम है, 43 भी 3 टाइम है. तो अपन एक को ऐसा नहीं लिख सकते, अगर दोनों सेम आ रहा है तो दोनों की डिजिट अपन को राइट करना पड़ेगी, 38 एंड 43. अभी मीडियन, ठीक है, मीडियन के मिडिल में क्या आ रहा है, 40. ठीक है, टोटल डिजिट काउंट करेंगे. ठीक है, फिर जो भी मिडिल में होगा, फिर अपन मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, मीन्स जो भी मिडिल में होगा वही उसका मीडियन होगा. ओके, तो मिडिल में क्या आएगा यहाँ पे, 40. ठीक है, अब ये बताना है सेकेंड पॉइंट, इज देयर मोर देन वन मॉड. ठीक है, क्या जो मॉड है वो एक से ज्यादा है. यस, जो मोड एक से ज्यादा ही तो आ रहा है, बंद हो ही ना, 2 आ रहे हैं. ठीक है, 33 भी और 43 भी, तो राइट क्या कर देंगे, यस देयर आर 2 मोड्स. क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा. मोड और मीडियन सेम कंडीशन में राइट करना है, जिस तरीके से अभी तक अपन लोग राइट करते आ रहे हैं. मोड मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मीडियन मीन्स मिडिल. तो ये जो डाटा गिवन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे. ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर ली, जो भी डाटा गिवन है स्मॉल टू बिग. अब मॉड, मॉड क्या आ रहा है, तो अब ये देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14 की ज्यादा है तो मॉड 40, और मीडियन मिस मिडिल. अब ये देखिए टोटल 4 4 8 एंड 9, तो मीन्स 9 डिजिट है टोटल. तो 4 यहाँ से लीव करेंगे, 4 यहाँ से लीव करेंगे, मिडिल में क्या है 14, तो मीडियन क्या हो जाएगा 14. ठीक है सर, ये दोनों ही राइट करना था, दिस इज आंसर. क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड. फिफ्थ क्वेश्चन इज टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अब इसमें क्या राइट करना है, ट्रू और फॉल्स. ठीक है, किसमें ट्रू मतलब किस तरीके से ट्रू और फॉल्स आ रहा है, ये देखिए द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर नंबर्स इन अ डाटा.
मीन्स जैसे कि कोई भी डाटा गिवन है, ठीक है, तो कोई भी डाटा गिवन है उसमें वन डिजिट जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है तो वही तो आती है उसमें, ठीक है, मॉड में, मीन्स जो भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। द सेकेंड पॉइंट इज द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, डाटा में नंबर्स का एक वन मीन है, फॉल्स। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इज डाटा, ट्रू। इस जो भी डाटा है तो मीडियन मीन्स क्या होता है, मिडिल वैल्यू, ठीक है, तो ऑलवेज उसमें वन ही तो आएगी, मीन्स जैसे कि अपन इस साइड से काउंट कर रहे हैं, फिर इस साइड से काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट से, जो भी मिडिल में जो भी वैल्यू बचती है तो वही मीडियन होता है, ठीक है, तो ऑलवेज वन ही तो आएगी, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। द डाटा, जो ये डाटा गिवन हैज मीन 9, तो अब ये देखिए क्या इसका मीन 9 है, तो मीन क्या होता है, तो मीन आप लोगों को ये फाइंड करके देखना पड़ेगा, मीन मीन्स क्या होता है, सम ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर 8 है, तो इन सब का प्लस करेंगे और अपॉन में 8 का डिवाइड करना, ठीक है, 8 का डिवाइड करेंगे तो मीन्स इसका मीन 9 नहीं आएगा, ओके, इसका मीन 9 नहीं आएगा, इसलिए ये फॉल्स है, ओके, दिस इज आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड, नाउ वी अप टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2।